हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉथ क्लासेस। देखिए आज का वीडियो हमारा जो आरबीएससी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ कंपलसरी इंग्लिश का ये वीडियो हमारा, हमारी जो बुक चलती है रैनबो। पिछला वीडियो मैंने बनाया था पैनोरमा पे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे। ये हमारा वीडियो है रैनबो पर। ये क्वेश्चन जो वर्ड लिमिटेशन आती है 125 वर्ड्स, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, मार्क्स 7, और आपको जो है 3.25 घंटे में से लगाने हैं ओनली 15 मिनट। इससे ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है इसमें, ठीक है? तो देखते हैं टाइम जाए ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट मेजर स्टेप्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। वाटर वाला चैप्टर है इसमें। तो व्हाट मेजर स्टेप्स, कौन कौन से कदम उठाए गए थे, कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, जल को संरक्षण करने के लिए। ये आपको लेसन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वर द मालिक्स हैप्पी। वॉट मालिक्स का मतलब मालिक परिवार। वॉट वर द मालिक्स हैप्पी टू हैव गवर्नमेंट एज देयर टेनेंट। टेनेंट का मतलब था किराएदार। कि मालिक परिवार क्यों खुश था, अपना जो मकान उन्होंने बनाया था शहर के अंदर, फिर गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया था, तो उसको एज अ रेंट दे दिया गया था। तो रेंट में देकर के क्यों खुश था, उसमें आपको डिफरेंट बताना पड़ेगा। प्राइवेट टेनेंट्स हो गया, गवर्नमेंट टेनेंट्स, दोनों के बारे में। वाई डिड मिसिज मालिक थिंक ऑफ शोविंग दैट स्केच। उस स्केच को बताते हुए, जो स्केच बनाया गया था उसमें मैरून कलर साड़ी के अंदर, उसके बारे में है ये। टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम्स इन फ्यूचर, कि भविष्य में इसकी बहू का भी हो सकता है। तो मिसेस मलिक ने ऐसा क्यों सोचा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये रूम नंबर रूम 10 इनटू 8 चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सिटी मैग्नेट्स सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द नरेटर। नरेटर के अकॉर्डिंग जो है सिटी मैग्नेट्स यानी शहर के व्यापारी क्यों सफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर थिंक अबाउट द गॉडेज ऑफ बिजनेस। जब वो उसमें होता है, लेखक जो होता है, नरेटर जो है, वो बार बार सोचता रहता है। तो जब प्रणर की पेंटिंग उसने खरीदी थी, थर्ड थॉट्स इसको पुनर्विचार आते हैं, तो उसमें एक बार सोचता है गॉडेज ऑफ बिजनेस के बारे में, वो क्या विचार करते हैं धन की देवी के बारे में। बाइंग एंड सेलिंग आर द परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, कि खरीदना और बेचना ये एक सीधा साधा जो है एक मामला है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, व्यापारी और क्रेता के बीच में। इसको एक्सप्लेन बनाना है। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर है थर्ड थॉट से। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ एक बार चैप्टर्स की आपको हिंदी जरूर पढ़ लेनी है, और वर्ड मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना आपको लेसन याद तो हो जाएगा लेसन जो है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। तो वर्ड मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपको लर्न करना। ओके, यस। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम, कि सीमापुरी स्लम जो है, सीमापुरी जो बसाई हुई 10,000 लोग वहां बांग्लादेश से आए हुए थे, तो एक गंदी बस्ती थी, उसका वर्णन आपको करना है। डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, उन दो प्रकार के संसारों का वर्णन कीजिए। मेंशन बाय एनीस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग में जो लेखिका थी एनीस जंग, तो इसमें साहेब और या तो बताना आपको अमीरी गरीबी वाला, और वही दो संसार रहेंगे, एक अच्छे अमीर लोगों का, एक गरीब लोगों का जीवन के बारे में। डिस्क्राइब द प्लाइट, उस खुशी का वर्णन कीजिए ऑफ द चिल्ड्रन लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चों के अंदर जो होती है दैट रैग पिकिंग एज देयर वे ऑफ लाइफ, जो अपने जीवन में कचरा बीनने का काम करते हैं फिर वो प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं, उसका वर्णन कीजिए। ये हमारा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज। स्ट्रेस एंड डिजीज, बीमारी और तनाव, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप आपको बताना है, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो डिजीज होगी। ओके, तो आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द प्लाइट फाइट और फ्लाइट, इट्स अ रेस्पॉन्स। ये एक हॉर्मोन्स है, इस हॉर्मोन्स के बारे में आपको बताना है। चैप्टर जो हाउ योगा हेल्थ है उसमें दे रखा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। Why are संस्कार important in our life? हमारे जीवन में संस्कार, लिखने में संस्कार होता है, पर संस्कार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको डिस्क्राइब करना है, इसका वर्णन करना है। इंडियाज गिफ्ट वाला चैप्टर है, उसमें से दिया हुआ है। A good book of fiction or romance or poetry is a scientific work. Explain. जो रीडिंग एंड रिलेशन टू लिटरेचर, जो थोड़ा हार्ड, बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन हार्ड आपको लगता है, पता नहीं क्यों कई बार बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो कि रीडिंग के बारे में खुद को आप इस लेवल पे लेकर के देख सकते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। कमजोर बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा बार बार पढ़ लेता है तो उसको अच्छे से समझ लेता है, और कमजोर बच्चा एक बार पढ़ के सोचता है नहीं समझ में आया तो बार बार री रीड करना जो होता है। तो ये बता रहे हैं अच्छी किताब कौन सी होती है, फिक्शन की, रोमांस की और पोएट्री की किताबें जो होती है, ये एक साइंटिफिक वर्क किया गया है उसके बारे में बताना है। हाउ डज ए ग्रेट क्रिटिक डिफर फ्रॉम ए कॉमन पर्सन, एक महान आलोचक और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है रीडिंग के अकॉर्डिंग। हाउ हैज द राइटर एक्सप्लेन्ड द डिफरेंट बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी, अध्ययन करना मतलब पढ़ना और अध्ययन करना, इनमें जो है राइटर के अकॉर्डिंग जो है इन दोनों के बीच में जो अंतर बताना है, डिफरेंट क्या है, ये हमारा चैप्टर है ओन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं देखिएगा, आगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं यस देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। व्हाट वर द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट जो आ था उसमें पुराने एक समझौता था, शर्त थी, कुछ नियम थे बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट, जो ब्रिटिश जमींदार और किसानों के बीच में वो क्या सौदेबाजी हुई थी, वही 1/3 वाला 20% जो 15% था उससे रिलेटेड है। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द चंपारण एपिसोड ऑन द पीजेंट्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार पर, किसानों पर, चंपारण का जो घटना हुई थी उससे उसका क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर सोशल एंड कल्चरल अपलाइटमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण में एक सामाजिक और सांस्कृतिक एक तरह से खुशी लाने के लिए गांधी जी ने क्या किया वो बताना है। ओके इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा पूरा गांधी जी वाला, इंडिया वाला चैप्टर जो है। मोस्ट क्वेश्चन आया, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस और टू गो टू, टू गो टू एंड अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहां जाकर के हम समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, धरती के अतीत के अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को जो हम जान सकते हैं उसके बारे में है। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसके बारे में आपको बताना है, क्या प्रोग्राम था, ये हमारा चैप्टर आता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग विद द इंजर्ड ओल्ड मैन, जो घायल बूढ़ा आदमी उसको मिला था उस समय जब जो नरेटर था फिरोज गुड़ा की तरफ से निकला तो उसको अचानक से परछाई दिखती है। आप चैप्टर को पढ़ना, बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, तो उसमें वर्णन करना है उस घटना का जब उसने देखा था उस आदमी को, देखा था बूढ़े आदमी को। व्हाट पिक्चर ऑफ द ओल्ड फायर वर्कर, फायर वॉकर, वो चित्र का वर्णन करना है आपको जो ओल्ड फायर वॉकर, जो आप पर चलने वाला बूढ़ा आदमी ग्रेजुअली एमर्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नरेटिव, अपने कहने के दौरान या कोर्स ऑफ नरेटिव जब उसका घटना हो रही थी उस समय एमर्ज किया था, उसको मिलान कर दिया, धीरे धीरे अपने आप को बदलाव किया था, मिलान किया था अपनी बातों में, उसका वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर फील बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर, नरेटर कैसा महसूस करता है पहले और बाद में जब वो आग पर चलता है उसमें, ये अ वॉक थ्रू द फायर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्स द ऑथर इन बिकमिंग एंड परफेक्ट स्विमर एंड हाउ, ऑथर की सहायता कौन करता है, जो विलियम डगलस जो उसमें हमारा करेक्टर है कौन करता है और कैसे करता है जो परफेक्ट स्विमर बन जाता है, तैराक बन जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द एपिसोड दैट टर्न द ऑथर्स ऑथर एवर्स टू वाटर, पानी के अंदर जो उसको डर लगने जाता है वो एपिसोड आपको जो है बताना पड़ेगा, कैलिफोर्निया वाली घटना आएगी जब वो छोटा बच्चा था। हाउ डिड द ऑथर मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर, किस प्रकार से जो है लेखक ने उस पुराने डर पर जीत हासिल कर ली थी उसके बारे में आपको बताना है, आंसर देना है। डीप वाटर का चैप्टर है। अब लास्ट चैप्टर आ रहा है हमारा इस रेनबो सॉरी रेन वाली बुक में से, व्हाट डज डैडी नॉट लाइक अबाउट द पीपल अराउंड हिम, डैडी को क्यों पसंद नहीं है लोगों के साथ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब लैम्ब्स मीटिंग विद डैडी, डैडी के साथ मिस्टर लैम्ब की मुलाकात कैसी थी, या बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डैडीज लाइफ, जो डैडी के जीवन में जो है एक बदलाव ले आती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है और ये हमारा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। अब लास्ट में देखो मैंने यहाँ लिखा करेक्टर स्केचेस, पिछली बार तो मैंने करेक्टर से लिखे थे, इस बार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ओके
तो इसमें क्या है, करेक्टर स्केच पिछली बार मिस्टर लैम का आया था, तो आप क्या जो इंपॉर्टेंट जो मैन मेन करेक्टर स्केच आपके इसमें आ रहे हैं उन करेक्टर स्केच को भी आप पॉइंट बना बना करके आप याद कीजिए और ये क्वेश्चन आपके क्लियर कीजिए। इनमें छोटे क्वेश्चन से इंक्लूड हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चन 7 नंबर के आते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। जो है ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व कर लिया, समझ लो पूरी किताब आपकी सॉल्व हो चुकी है, छोटे क्वेश्चन याद हो चुके हैं, साथ साथ अब करेक्टर स्केच को अलग से याद कीजिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो जो मैंने आपकी डिमांड पर बनाया। पनोरमा पे मैंने पहले वीडियो बना दिए हैं, उसके 3 पार्ट छोटे छोटे, इसका 1 पार्ट बनाया हूँ। ओके, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम मिलेगा तो मैं कंपोजिशन पार्ट भी जल्दी ही बना करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको जल्दी ही जो है आप तक पहुँचा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और जो भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ आपसे आपको पूछना है तो आप बता सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का ही है। ओके, गुड डे, गुड बाय।